बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की न्यू ब्लॉग। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ छत पे, नहा धोकर हो चुकी हूँ, मस्त रेडी। अभी बजे हैं 7, सुबह के 7:30, और अभी चलते हैं छत पर, दिखाते हैं आपको सन जो है उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो चुका है। और देखिए कितना प्यारा व्यू आता है सुबह सुबह का, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है वो देखिए। और ये दिखाते हैं आपको सूर्य उदय होता है, वो देखिए सूर्य उदय हो चुका है, बहुत प्यारा सुबह सुबह। चिड़ियाँ भी कितनी अच्छी से रख, सुबह सुबह गांव में बहुत काम होता है भाई, सुबह सुबह किसी का काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, सुबह सुबह का काम में गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और बताइए गाइस, सुबह सुबह गांव में जो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ है ना, बहुत सुंदर आवाज़ आती है सुबह सुबह, सबके छतों पर चिड़ियाँ आती हैं। देखिए हमारे छत पर भी आती हैं वैसे बहुत सारी, सुबह सुबह सबके छतों पर चिड़ियाँ रहती हैं, दाना डालते हैं सब लोग, चावल गेहूँ जो भी दाना होता है डालते हैं, मस्त चिड़िया आके चुप के जाती हैं। और आप लोग गांव में रहने का वैसे एक फ़ायदा तो है, सुबह सुबह की ताज़ी धूप, सुबह सुबह का सुंदर व्यू, वातावरण शुद्ध, हर चीज़ की बहुत अच्छी जो है यहाँ पे, हर चीज़ की सुविधा भी अच्छी होती है, वैसे थोड़ा बहुत शहर के मुकाबले नहीं हो पाता इतना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है गाइस। बताइएगा आपको गांव कैसा लगता है, किस किस को गांव में रहना पसंद है? मुझे तो वैसे ज़्यादा करके गांव में रहना ही पसंद है, गांव में जो भी मतलब कि सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे गांव में शुद्ध वातावरण, सबसे बड़ी बात शुद्ध वातावरण जो कि शहरों में नहीं मिलता भाई, गांव में तो वातावरण शुद्ध है, इसलिए गाँव में रहना तो हर किसी को ही पसंद होगा। और गाँव में जो हरियाली है ये सब देखना, गाँव में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे तुम कितना सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। फाइनली धूप आ चुकी है बहुत अच्छी, तो धूप सेक रहे हैं सबके सब, ये आरव है, ये आरव है, ये कमल और ये वंश है। ओ, मतदार की।